हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द गेमिंग प्रिस्ट। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डार्कनेस राइज रिलेटेड न्यू वीडियो और न्यू पैच अपडेट के बारे में। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे इमेज जो है इनका बैकग्राउंड वॉलपेपर इन लोगों ने चेंज किया है अपना, एशियंट रूइंस करके आया है। तो अब हम लोग सीधा नीचे चलते हैं और एक बार मैं इमेज आप लोगों को दिखा देता हूँ इमेज में क्या क्या है। सो पहली इमेज ये है और दूसरी इमेज पे अपडेट न्यू गियर, सो रैंक एल एसेसरीज जो कि फाइनली जो है इन लोगों ने अपडेट कर दी है, जो कि हम लोगों को काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे रैंक एल एसेसरीज का। और नेक्स्ट पे एंशिएंट रुइंस का एक नया न्यू एडवेंचर स्टेज जो है एडेड हुई है इसमें। और जो बाकी की जान का इसमें तो जो भी मॉन्स्टर थोड़ा जॉम्बी टाइप के लग रहे हैं, सबके जो है फेस फटा हुआ है। और आगे हम लोग देखते हैं, सो फोर गार्डियन होनर शॉप में ह्यूज जो रिवार्ड्स है वो ऐड किया है इन लोगों ने और रैंक मैच में भी। सो अभी ऑप्टेन आपको मैजेस्टिक मॉर्फ क्रिस्टल गियर मटेरियल ये सब मिलेगा। और जो नेक्स्ट इमेज है उस पर, सो ये इमेज है विंग्स की, जो नया विंग्स ऐड हुआ है अभी। और नेक्स्ट देखते हैं, सो ये ईस्टर मिशन इवेंट आया है अपडेट के बाद में। और न्यू पेट जो है थ्री पेट अपडेट हुए हैं, न्यू आए हैं। और सो ये जो है एल गियर चेस्ट है। सो अभी तक जो एसेसरीज है आप चेस्ट ओपन करके भी पा सकते हैं। और बस इतना ही है अभी। सो हम लोग वापस से एक बार बैक चलते हैं, नहीं काफ़ी बैक जाना है ये। और अब हम लोग देखते हैं पैच नोट के में, चलिए पैच नोट। सो पैच डिटेल में सबसे पहले जो है न्यू रैंक एल एसेसरीज एडेड है हो गई हैं, जैसा कि हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे रैंक एल एसेसरीज के बारे में। सो दूसरी चीज़ है रैंक एल एसेसरी मैसलो इंक्रीज स्टेट कंपेयर एस प्लस। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज देंगी एस प्लस प्लस एसेसरीज के मुकाबले में। और इस पे कुछ एक्स स्किल भी डायरेक्ट इंक्रीज हुई है, जैसे हम लोग वेपन में स्किल्स यूज करते हैं, जो भी नया लीजेंडरी वेपन आया था उसकी जो अलग से स्किल है, तो वो इसमें भी स्किल्स हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगी। और अगर कुछ न्यू है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं एल ट्रेड टिकट की मदद लेके। सो जैसे कि एल फ्यूजन का जो भी है फ्यूज कैसे करना है वो आप सभी को पता ही है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ एक बार। लेवल 60 की और एवब, मान लीजिए लेवल 60 हो गया या लेवल 70 तक और 15 रिफाइनमेंट तक अगर आपने किया है उसको फुल्ली इन्हेंस, तो उसको आप जो है दो एस प्लस प्लस सेम कैटेगरी का आप इन्हेंस कर सकते हैं, आप फ्यूज कर सकते हैं। और अगर आपका लक रहा सक्सेसफुल तो आपको लीजेंडरी जो है मिल जाएगा, ईयरिंग या नेकलेस जो भी आप जिस उस टाइम पे फ्यूज़ करेंगे। और अगर नहीं मिल रहा है तो आपका एक गियर और गोल्ड भी आपका वेस्ट होगा। सो यहाँ पे जैसे लिखा है इफ़ फ्यूजन फेल मटेरियल एक्सेसरी एंड गोल्ड विल बी प्रेस, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और इस पे जो लिखा है अगर आपके पास गार्डियन स्टोन है, गार्ड स्टोन है, तो आपको जो है आपका जो भी मटेरियल है वो वेस्ट नहीं होगा। लेकिन वो तो है नहीं किसी के पास, लेकिन जिन लोगों ने पैसा लगाया होगा उनके पास होगा गार्ड स्टोन। और सिमिलर लैंक एल फ्यूजन टू रैंक एल 30% कैन बी ऑब्टेन 100% रेट ऑफ स्टोन।
सो जो हम लोग हेलमोट से खेलते हैं, जो कॉर्पोरेट रेजिना में जो 20 बॉक्सेस मिलते हैं, उसमें से आपको जो है रेटअप स्टोन मिलता है। तो वो अगर रेटअप स्टोन है तो 30% जो नॉर्मल है और उस पर आप ऐड कर लेंगे 70 जितने आपके पास हों। सो वैसे मेरे पास 126 थे और जो 40 बॉक्स अभी भी बचे थे, तो मे बी 130 हो जाएंगे। तो 2 एक्सेसरी तो फाइनल जो है वो 100% सक्सेसफुल ही है, बाकी का 3 अपडेट के बाद देखते हैं क्या हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट नोट में जो है, द रिफाइनमेंट एंड ब्रेक थ्रू लेवल्स एक्सेसरीज एंड फ्यूजन एंड प्रोसेस फ्रॉम फ्यूजन इज सक्सेसफुल। ओके, सो जो है आपको इन्हेंस लेवल 0 से ही स्टार्ट होगा, 1 से, सो फ्यूज करने का टाइम पे। और इक्विप ज्वेल, और इस पे ये बता रहा है कि अगर आपने S++ का जो दो फ्यूज़ किया है, उसमें जो भी आपका जो ज्वेलरी लगी हुई होगी तो वो आपको इन्वेंट्री में वापस आ जाएगी ड्यूरिंग द एल फ्यूजन के दौरान में। रैंक एलेसरीज कैन बी वाइडर वैरायटी ऑप्शन कंपेयर्ड लोअर रैंक एसेसरीज, ठीक ही है। आर्टिक एनहेलेशन एसेसरी सेट बोनस, तो इसका जो नीचे वाला सेट बोनस है तो वो इसमें PvE अटैक इंक्रीज करेगा 15%, PvE क्रिटिक रेट डैमेज है 10%, रिसीविंग फेटल डैमेज लीव यू 1 HP एंड एक्टिवेट इनविजिबिलिटी फॉर 5 सेकेंड, द इफेक्ट होगा वंस एवरी 180 सेकेंड। सो ये फेटल डैमेज के बाद में 1 HP बचेगा, तब शायद ये इनविजिबिलिटी वाला जो ऐड होगा जिससे आपको डैमेज लगेगा नहीं शायद। और PvE इफ डैमेज ग्रेटर देन 80% ऑफ मैक्स HP इज रिसीव फ्रॉम सिंगल अटैक, एनी फर्दर डैमेज इन निगेटेड दिस इफेक्ट कैन अगर वंस एवरी 180 सेकेंड। ओके, सो अगर मेरे हिसाब से अगर जैसे 80% से ज़्यादा का डैमेज लगा एनिमी की साइड से या मॉन्स्टर की साइड से सिंगल अटैक पे, सो शायद ये जो है एक एक 180 सेकेंड यानी कि 3 सेकेंड में ये एक्टिवेट हो, सॉरी 3 मिनट में ये एक्टिवेट होगा। तो ये तो आने के बाद में ही पता चलेगा, अभी तो इसका कुछ डिटेल ज़्यादा दे भी नहीं पाएंगे इसमें क्या होगा। सो जैसे कि वैन ए रैंक एल एसेसरीज और टेन विल बी एम्पावर्ड विद एक्स एसेसरी एट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, द एक्स स्किल कैन बी चेंज यूजिंग रैंक एल स्किल चेंज टिकट, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था। तो ये आपको 5 जो है हमारे पास एसेसरीज हैं और 5 ही स्किल्स हैं हमारे पास, तो 5ों स्किल्स में से कोई भी एक यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे इस टाइम पे और इस पे नीचे का इसका विंड वॉल क्रिटिक रेट इस पे इंक्रीज होगा। तो ये जो एक्स स्किल की इंफॉर्मेशन है वो बाद में हम लोग देखेंगे। सो ये बेसिकली इधर पे बता रहा है जो एक्स स्किल है वो A1 और A5 तक स्किल क्रिटिक रेट इंक्रीज करेंगी और A1 स्किल क्रिटिक डैमेज इंक्रीज करेंगी, ठीक है। और जो स्मॉल A5 स्किल अटैक के लिए हैं, तो ये नीचे यहाँ पे आएंगे आप तो ये देखेंगे। तो जो कॉम्बो स्किल के साथ में जो क्रिटिकल डैमेज करेंगी और जो क्रिटिक रेट इंक्रीज करेंगी, ठीक है। तो वो सबकी अलग अलग हैं, क्रिस्ट की अलग होगी, ईयरिंग की अलग होंगी, वो सब अलग अलग डिफाइन किया है, तो वो आने के बाद हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे जो ऊपर देख रहे थे विंड वेल का क्रिटिक रेट है जो +2.2%। सो बाकी का नीचे अभी जब हम लोगों का अपना आएगा तो हम लोग उस पे से देख पाएंगे। और इसके लिए आपको 4 L ट्रेड टिकट चाहिए रैंक L की स्किल चेंज करने के लिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी शॉट जो क्रिटिकल डैमेज देगी वो 13 से 15%, मिनिमम 13 रहेगा, मैक्सिमम इसका 15% होगा। सो ये सेम इंक्रीज होगा। और नीचे चलेंगे अगर हम, फॉर L स्किल चेंज टिकट आर नीडेड द एक्स स्किल चेंज चूज इन पॉसिबल एक्स स्किल पूल डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, सो वो हम लोगों को पता ही है। नॉर्मल स्किल मेनू हाउ टू चेक कंट, सो ये नॉर्मल स्किल का मेनू है, इस पर क्या है बफ डैमेज आफ्टर करंटली इक्विप्ड रैंक एल एसेसरी एक्स स्किल विल बी अप्लाइडेड। द
टेस्ट टू ओपन इक्विप एक्सेसरी एक्स स्किल इंफॉर्मेशन विंडो। सो ये यहाँ पे कहीं पे दिखेगा, ये शायद नंबर टू वाले पे, यहाँ पे टच करने के बाद में ऐड जब होगा सुपरनोवा तब हम उसी टाइम पे देखेंगे। ओके, तो वहाँ से यहाँ पे दिख जाएगा आपको 1 2 3 करके कि कौन सी इस पर कौन सा एक्स स्किल है। और ये न्यू एडवेंचर स्टेज एसेंट रूइंस भी है। अनलॉक आफ्टर किलिंग डार्न कैस्टल वेरी हार्ड, ठीक है। सो ये में भी सबका पावर तो मिनिमम इतना हो ही जाएगा क्रीज एल एसेसरीज आने के बाद में। सो जो न्यू आपका एसेंट रूइंस वाला जो ये मैप अगर आप क्लियर करेंगे तो इस पे जो है रिवॉर्ड क्या है, 10 स्टार पे आपको नॉर्मल में 5 टिकट मिलेगा। ये 5 टिकट गियर समवन टिकट है जो यूज़ होगा एस प्लस प्लस के लिए, और इसके बाद में हम लोगों को मिलेगा इससे 100। इसमें कॉस्ट्यूम समवन टिकट 5 नॉर्मल पे और 30 वाले पे 5, हार्ड पे आपको 10 10, 13 और वेरी हार्ड पे 15 15 एंड 20 मिलेगा। सो जो आप 30 लेवल वाला जब करेंगे, 30 स्टार जब कलेक्ट करेंगे आपको, तो यहाँ पे है रैंक एल पॉलिश चेस्ट जो कि बहुत सी सही है। तो ये पॉलिश चेस्ट है, आपको टोटल मिलेगा 20 33। तो ये आपको 38 जो है एल पॉलिश चॉइस चेस्ट मिलेगा। और जो लॉस्ट एरिया क्वाइन 11 कैन बी स्पेंट ट्रॉफी 11 और वेरियस रिवॉर्ड। सो ये जो है ट्रॉफी शॉप 11 ऐड हुई है, तो इसका क्या है, आपको रैंक अमाउंट 190 क्वाइन में मिलेगा, परचेज लिमिट 2 फॉर मंथ। तो आपको एस प्लस प्लस का गियर जो है 2 मिलेगा एक मंथ में, और एस प्लस प्लस का 2 मिलेगा एवरी वीक, जो कि पिछले में अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रॉफी शॉप 10 में है वो, और गोल्ड का सेम है, गोल्ड का अमाउंट शायद 35 45, गोल्ड का शायद रेट इन लोगों ने डाउन किया है क्योंकि जो पिछला है हम लोगों का है उस पे है 30 45 और 55 के समथिंग में है शायद, वो देखना पड़ेगा। और बाकी इस पे जो है एल पॉलिश चेस्ट और एल पॉलिश रिफाइन स्टोन है, तो इसमें रैंडम कुछ भी निकलेगा, तो दो दो आपको वीक में मिल सकता है। तो जैसा कि हम लोग इस अगर पिछले में देखेंगे ट्रॉफी शॉप 10 में, तो उसमें जो है एस का जो है रिफाइन स्टोन और एस की पॉलिश चॉइस चेस्ट पॉलिश चेस्ट हैं दो। तो बाकी जो है रैंक सी की फायर मैजेस्टिक स्क्रोल मंडे 5 5। सो इनका रेट सेम ही है। सो ये बेसिकली 3 की हैं, तो अगर ये आपके पास 10 हो गई शायद 10 में ही अपग्रेड करेंगी, अगर आपके पास 10 अर्थ की हो गई तो सी से डायरेक्ट आप बी में चले जाएंगे, तो आपको जो 2 सी प्लस सी की जो है 2 मैजेस्टिक आपको फ्यूज़ नहीं करना पड़ेगा, एक से ही हो जाएगा, जिसका अमाउंट 30 है पर ईच एक का, और जो परचेज लिमिट है वो 5 की है। और ये 26 7 28, सो ये नया है। तो अब इस पे से ये देखना है कि ये जो न्यू मेन क्वेस्ट है 26 27 28 में, तो ये सबका सेम ही रहेगा या जो पुराना जिन लोगों ने कलेक्ट किया है उनके लिए भी है, तो ये तो अभी आने के बाद में ही पता चलेगा। तो शायद वैसे इस पे लिखा है क्लियर ऑल स्टेज ऑफ एंशिएंट, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिलेगा इस एंशिएंट रुइंस का जो चैप्टर है खेलने पे। सो ये भी सही है 6।
सो आपको इसमें टोटल जो है 8.4 के जेम्स मिलेगा और बाकी का सेम रहेगा, 7% स्पेशल आर्मर और एसेसरीज का रिफाइन स्टोन में। लॉगिन स्क्रीन, लॉबी बैकग्राउंड एंड लॉबी बीजीएम और चेंज न्यू सिंपल थीम। ओके, सो इसकी न्यू थीम की वजह से जो है आपका बैकग्राउंड, लॉबी, लॉगिन स्क्रीन और जो म्यूज़िक है शायद वो भी कुछ चेंज हुई है। और ये एल गियर का चेस्ट है तो इस पे हम लोग देखते हैं। रैंक एल वेपन, एल आर्मर और एडेड वेपन और आर्मर चेस्ट। ओहो ठीक है। वेपन एंड आर्मर चेस्ट लॉयल्टी रिवार्ड चेंज S++ वेपन आर्मर चेस्ट रैंक एल वेपन आर्मर चेस्ट द रिक्वायर्ड लॉयल्टी रिवार्ड विल बी इंक्रीज 100 to 300। ओके, तो इस पे से क्या है कि जब हम लोग अभी रैंक जो अपना एस वाला था उस पे अगर हम टिन ड्रॉ मारते थे 30K gems के, तो उस पे जब 100 जो रीच बार था वो 100 हो जाता था तो उस पे से हमको एक A++ का आर्मर वेपन जो भी है वो एक मिल जाता था। तो जो एल वाले में है वो आपको 90K gems जो है आपको लगाना होगा, उसके बाद में आपको एक एल का मिलेगा। और जो यहाँ पे रिवॉर्ड है उसका जो प्रोबेबली है, परसेंटेज है, वो तो काफ़ी कम है। S++ का थोड़ा सा बढ़ा दिया है इन लोगों ने, 2.84 कर दिया है और बाई वन। और इधर पे क्या 0% है बी का। 10 रिवार्ड में इस साइड में 0% इन लोगों ने रखा है A++ से। सिंगल में तो आपको मिलेगा लेकिन इधर पे तो एकदम 0% है, तो उसका क्या है, तो वो जब ओपन करेंगे तभी हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऐड हुए, एक रैंक एल का ऐड हो गया है और एक ऐड हो गया है अपना रैंक एल एसेसरीज का भी ऐड इन लोगों ने कर दिया है। सो सेम है दोनों का, प्रोबेबली सेम है, उसमें किसी का कुछ चेंज नहीं हुआ है, सबका एक जैसा ही है, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। और S++ कॉस्ट्यूम डेको एडेड हुआ है और ये जो समन टिकट हैं ये ऐड हुई हैं, सॉरी। तो ये तो हम, और ये इन लोगों ने ग्राफ दिखाया है कहाँ से आपको मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं आपको जो वेपन और आर्मर चेस्ट यहाँ पे लिखा है, ऑब्टेन वन रैंक बी टू एल वेपन फॉर आर्मर परचेज 10 times टू रिसीव वन रैंक एस टू एल वेपन एंड आर्मर 10 times में एस का प्रोबेबली ज़्यादा है। सो इसके लिए ये टिकट हैं जो कि आपको मिलेंगी डे वीकली इवेंट से। तो ये तो काफ़ी, और ये न्यू विंग्स जो है हमारा ऐड हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, लिमिटेड टाइम ओनली गार्डियन रैंक रिवार्ड। तो यहाँ पे जो गार्डियन रैंक रिवार्ड है वो अभी कुछ टाइम के लिए शायद चेंज हुई है, इवेंट तक का जो जितना भी टाइम है। सो वहाँ पे अगर आपकी रैंक 1 है तो गिल्डेड फैब्रिक रेनबो 100 मिलेगा, 7% स्पेशल रिफाइन स्टोन चेस्ट 5 मिलेगा। सो ये काफ़ी सही है, लेकिन जो है अब यहाँ पे काफ़ी भसड़ मचने वाली है। रैंक 1, 2, 3, 4 4 to 10 रैंक में आपको 7% रिफाइन स्टोन 2 मिलेगा, बाकी 11 से 50 में आपको मिलेगा रैंक एल रिफाइन स्टोन चेस्ट 3। सब में यहाँ पे स्टोन ही मिलेगा आपको, पॉलिशेस नहीं है यहाँ पे, तो ये ठीक है। लिमिटेड टाइम हॉनर शॉप इवेंट है, कोई नहीं। तो ईस्टर मिशन ये आएगा, सो ये जो ईस्टर वाला मिशन है वेयर द गेट
तो इस पे जो आपको एक मिलेगा वो इस मिशन टू में प्ले रैंक मैच, प्ले गोल्ड इंजन, प्ले डुओड इंजन और प्ले फोर गार्डियन, ठीक है। एक बास्केट डेको, कॉस्ट्यूम डेको, चेस्ट, समवन इवेंट रिवॉर्ड टू, एक बास्केट कैन नॉट बी ऑप्टेन फॉर अदर कॉस्ट्यूम डेको परचेज फॉर इन गेम प्रोडक्ट। ओके, ईस्टर बनी पेट समन ईस्टर शॉप। सो यहाँ पे सो जो एक बास्केट है, ये जो इमेज में आपको दिख रही है ये एस की है, और ये थ्री पेट जो है ऐड हुए हैं अभी, और ये माइलस्टोन रिवॉर्ड है इवेंट पॉइंट का, आपको जितना भी मिलेगा। बाकी ये मैं और क्लियर गोल्ड को 30 पॉइंट मिलेगा, और ये इवेंट शॉप है। सो इवेंट शॉप में आपने वीडियो में देखा ही होगा क्या क्या मिल रहा है। और उसके बाद जो है ब्लू एक बास्केट, पिंक एक बास्केट और ग्रीन एक बास्केट। सो ब्लू एक बास्केट में काफ़ी कम पर्स, इस पे आपको कॉस्ट्यूम ए से एस प्लस प्लस का मिलेगा एक अमाउंट, और गियर चेस्ट ए से एस प्लस प्लस का एक है, कॉस्ट्यूम डेको एक है, 33% प्रोबेबिलिटी है सबकी। और जो पिंक वाला एग है उसमें जेम्स मिलेगा और गोल्ड मिलेगा, तो 1000 जेम्स और इस पे मिलेगा आपको 1 मिलियन गोल्ड, और जिसका गोल्ड का प्रोबेबली 85% है और जेम्स का 15%, और जो थर्ड वाला है आपका एडवेंचर की 20% का है, 35% ट्रेड टिकट है और चॉइस डेइंग 35 और 10% रिंग एस पॉलिस। सो ये सीज़न लिमिटेड कलेक्टर बफ है, तो ये अगर आप कलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो अटैक है 9750 इंक्रीज होगा। और ये जो सीजन का जो कलेक्टर बफ है ईस्टर का जो आया है वो है 63 अटैक पेट, 64 डिफेंस पेट्स, ईस्टर सपोर्ट एंड ईस्टर लिमिटेड एडिशन सेट। सो ये अगर आप तीनों पा जाएं, तीनों आपको अगर मिल जाएगा तो ये टोटल आपको मिलेगा कलेक्टर बफ का, और अगर आप सिंगल सिंगल पाएंगे तो इस पे से बफ नहीं मिलेगा आपको, ओनली उतना ही मिलेगा यहाँ पे जितना लिखा है 19,000। और अगर ये आपको कंप्लीट ये तीनों हो जाएंगे आपका तो ये वाला टोटल बफ आपका मिल जाएगा जो कि 1 मंथ का है, 93 प्लस 39, और इन्वेंट्री जो कि बहुत ही सही है, साइज़ जो इन लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया है, और टीम पीवीपी और डुअल पीवीपी का यूआई इम्प्रूवमेंट किया है, और शायद जो इस्टीमेट टाइम है वो अब घटा के 25 सेकंड से घटा के 3 सेकंड कर दिया है इन लोगों ने, ऐसा कुछ है, और भी कुछ चेंजेस किए हैं जो कि हम लोग जो है इन गेम में देखेंगे। सो पेट का हम लोगों को बैनर सैंपल यहीं पे मिल जाएगा, और नॉइस वॉरियर का जो है इन लोगों ने कुछ मिशन चेंज किया, हैव फ्रेंड वाला और अपग्रेड गियर और हैव टू फ्रेंड वाले में, सब आर क्यू पावर कर दिया है इन लोगों ने। और ये तो आपको पता ही, दवे आप नॉइस वॉरियर का रिवार्ड जो भी इन लोगों ने चेंज किया था ये पहले ही बता चुके हैं इन लोग। सो यहाँ पे जो हम लोगों को टिकट अभी मिलेंगी वो वीकली क्वेस्ट पे मिलेगी, गियर की 1 मिलेंगी और कॉस्ट्यूम की 2 मिलेंगी 12 क्लियर पे। तो अब मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोग जब वीकली के लिए प्रेफर करेंगे ज़्यादा। और चेंज मेन क्वेस्ट 17 और 18, सो ये 50 पे ही हो जाएगा, और बग फिक्स और ये जो अपडेट आया है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी का जो भी डिटेल है वो मैं गेम के आने के बाद में जब मेंटेनेंस टाइम ओवर होगा उसके बाद ही मैं आपको फुल डिटेल दूंगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और एक वीडियो और आज शाम तक और भी अपलोड कर दूंगा फुल डिटेल के साथ में। थैंक्स गाइस वॉचिंग फॉर माई वीडियो।